तो वही राजस्थान में 1 करोड़ पेंशनधारियों को इसी महीने यानी कि जून से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी। राज्य सरकार 15% बढ़ी हुई पेंशन देगी। राजस्थान में 1 करोड़ पेंशनधारियों को इसी महीने जून से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी। राज्य सरकार 15% बढ़ी हुई पेंशन देगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर पर कार्यक्रम भी हो सकता है। सरकार के इस फैसले से बुजुर्ग, किसानों और विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए पेंशनधारियों को राहत मिलने जा रही है। जून के महीने में ही पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अब तक पेंशनधारियों को 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, लेकिन अब 1,150 रुपए पेंशन प्रति माह मिलेगी। सरकार के इस फैसले से सालाना करीब 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार जाएगा। वित्त विभाग की अनुमति के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पेंशनधारियों के खाते में पेंशन की राशि खातों में ट्रांसफर करेगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग बढ़ी हुई पेंशन को लेकर जल्द ही एक कार्यक्रम भी कर सकता है। किसे कितनी पेंशन मिलेगी, हम आपको श्रेणीवार समझाते हैं किसे कितनी पेंशन मिलेगी। वृद्धजन पेंशनधारी 5,86,138, पहले पेंशन मिलती थी 1,000, अब पेंशन मिलेगी 1,150। दिव्यांगजन 6,38,343, पहले पेंशन मिलती थी 1,000 और अब बढ़कर पेंशन मिलेगी 1,150। एकल नारी 21,94,333, पहले पेंशन मिलती थी 1,000 और अब बढ़कर पेंशन मिलेगी 1,150। कृषक वृद्धजन 21,07,260, पहले पेंशन मिलती थी 1,000 और अब बढ़कर पेंशन मिलेगी 1,150। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी। पिछली सरकार ने संबंध में विधानसभा में घोषणा की थी, जिसके बाद अब विभाग पेंशन बढ़ा रहा है। पेंशन धारियों को हर साल ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। राजस्थान में तकरीबन 1 करोड़ पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जून के महीने से ही पेंशनधारियों को 15% ज़्यादा पेंशन मिल सकेगी। इससे वृद्धजन और तमाम ऐसे पेंशनधारियों को लाभ मिल सकेगा जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है। इसके साथ साथ हर साल 15% पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।